नमस्ते। आज की वीडियो हमारे डेली रूटीन के टॉपिक से थोड़ा हटके है। ये वीडियो आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये उनके लिए रिलेवेंट है जो 9th से लेकर अभी ग्रेजुएशन में है और अभी डिसाइड कर रहे हैं अपना करियर ऑप्शन। देखिए, जर्नली हमारी लाइफ में होता क्या है, नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक आपको कोई भी बाइफर्केशन नहीं होती सब्जेक्ट्स की। आप यूजुअली सभी के पास सेम ही स्टडी पैटर्न अवेलेबल होता है। 10th क्लास में आते ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने करियर में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करते हैं ना, अपना करियर जो भी आप डिसाइड करते हैं, उसी के हिसाब से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। जी हाँ, आपका करियर ही आपकी आगे की फ्यूचर लाइफ डिसाइड करता है। तो अगर कोई पर्सन 10th क्लास में है, कोई स्टूडेंट है जो 10th क्लास में है, वो 10th क्लास में ही वो या उसके पेरेंट्स सोचना शुरू कर देते हैं कि अब 10th क्लास के बाद 4 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से कौन सी स्ट्रीम हमारे बच्चे के लिए, या फिर स्टूडेंट खुद सोचता है कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी रहेगी। 4 ऑप्शंस कौन सी होती है, मेडिकल लेना, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो मेडिकल लाइन ऑप्ट करिए। आपका टेक में इंटरेस्ट है तो आप नॉन मेडिकल लाइन में जाइए। आपका इंटरेस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IAS UPSC वगैरह की तैयारी करना, तो आर्ट्स भी आप ले सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना, जैसे कि CA, CS, MBA, CWA, CMA एक्सेट्रा, तो आप कॉमर्स लाइन ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपके पास जो एक करियर ऑप्शन अवेलेबल है CA, वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं। पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो गाइडिंग फैक्टर रहेगी आपके बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या आपके भाई बहन जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर करना है। बढ़ते हैं मेरी स्लाइड्स की तरफ और जानते हैं CA कोर्स के बारे में डिटेल। स्लाइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यही एक इंस्टीट्यूट है जहां से आपको CA कोर्स करना है। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मेरा नाम है CA पूजा गुप्ता। पूजा नाम मेरा मेरे पेरेंट्स ने रखा, गुप्ता इनहेरिटेंट है, एंड CA वर्ड जो मेरे नाम के आगे लगा है वो मैंने अर्न किया है कैसे, CA बनके। और ये मेरा एक ड्रीम था जो जब सच्चाई में बदला, जब मेरा रिजल्ट आया फाइनल का, तो उस दिन मेरे लिए कुछ अलग ही माहौल था। ऐसे लग रहा था कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। और मैंने भी बहुत मेहनत करी CA करने में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CA को क्लियर किया है। तो ये वीडियो आपको शेयर करनी है अपने किड्स के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं और जिनको भी अभी उलझन है कि हम अपने करियर के लिए क्या चूज करें। CA एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और डेडिकेशन चाहिए। इसमें आपका एक्सपेंस तो है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगी कैसे CA कोर्स आपके लिए हो जाता है जीरो कॉस्ट कोर्स। तो चलिए स्लाइड से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आपको सबसे पहले नोट करना है कि CA के लिए आप रजिस्ट्रेशन 10th क्लास कंप्लीट करते ही कर सकते हो। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। जी हाँ, 12th एग्जाम तो आप 12th क्लास को के बाद दे पाओगे, बट अगर आप 10th से ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे या फिर 12th क्लास के एग्जाम से पहले ही CA में रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो आप मान लीजिए आपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं मार्च में, तो मई का अटेम्प्ट, CA में हर 6 महीने में पेपर होते हैं, मई में और नवंबर में, तो मई वाले अटेम्प्ट में ही आप एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि अगर आप 12th के रिजल्ट के बाद खुद को रजिस्टर करोगे ना, तो फिर आपको नवंबर में एग्जाम देने दिया जाएगा, यानी सीधे सीधे आपके 6 महीने सेव हो जाते हैं। और एक चीज और नोट कर लीजिए, CA इसलिए भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है क्योंकि आज के टाइम में जो अब सिनेरियो है ना, जो अब स्ट्रक्चर है हमारा CA कोर्स का, 21 ईयर्स की एज में भी आप CA कंप्लीट कर सकते हो। 20 से लेकर 21 साल की एज में आप CA बन जाते हो, तो आप देखिए कोई भी ऐसी करियर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी जो इतनी छोटी एज में
आप कंप्लीट कर पाओ। सीए आप 21 से 22 साल की उम्र में कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करो, मेहनत करो, तो 21 से 22 साल की उम्र में आप सीए बन सकते हो। जबकि हम कंपेयर करें इसको अगर मेडिकल प्रोफेशन से, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो डॉक्टर बनते बनते आपकी एज 28 से 30 साल हो जाती है। इंजीनियरिंग लाइन में आप जा रहे हो, टेक लाइन में जा रहे हो, तो 25 से 26 साल की एज आपकी हो जाती है। ऐसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो दैट विल ऑल्सो टेक टाइम। एक सीए कोर्स ही ऐसा है जो आप 20-21 साल की उम्र में कंप्लीट करके आगे देखिए आपके लिए फिर फर्दर कितने सारे और ऑप्शंस खुले। तो 20-21 साल की उम्र में सीए कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आप अच्छा अर्न कर सकते हो। आपके सामने बहुत सारी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो मैं आपके आपको अभी डिस्कस करूँ। मतलब आप प्रैक्टिस में भी जा सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो। आप डिस्कस करते हैं कोर्स के बारे में। तो सबसे इसके तीन स्टेप है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन रूट से कौन जाते हैं? जो पर्सन 10th या 12th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे सीए करनी है, तो वो जितनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उतनी ही जल्दी अटेम्प्ट को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्लास 12th के स्टूडेंट प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हैं विद ICI ऑन और बिफोर 1st जुलाई या 1st जनवरी, एंड स्टूडेंट पासिंग क्लास 10th कैन ऑल्सो रजिस्टर। तो अगर मैं हूँ तो मुझे अगर किसी को सजेस्ट करना हो सीए करने के लिए और वो अभी 10th क्लास में ही है, तो मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि 10th में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, क्योंकि बाद में उनका फिर 6 महीने का टाइम इससे सेव हो जाएगा। या अभी किसी ने 12th में भी सोचा, अभी 12th कर रहा है, तो आप उसको गाइड करिए कि 12th क्लास करते करते ही सीए में रजिस्टर कर ले। फाउंडेशन रूट में रजिस्टर करने के लिए ICI की वेबसाइट है, वो मैं आपको सारी अभी एंड में गाइड कर दूंगी, और फिर वो अटेम्प्ट दे पाएंगे मई का। मतलब अपने 12th के एग्जाम दे दी मार्च में, मई का सीए अटेम्प्ट वो आराम से दे सकते हैं फाउंडेशन का। रजिस्टर करते ही फाउंडेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अपीयर करने के लिए नवंबर या मई एग्जाम में, एज द केस में भी आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जाम। आप जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे फाउंडेशन एग्जाम के लिए, मतलब आप पास हो जाओगे, तो आप रजिस्टर करोगे इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। ये था फाउंडेशन रूट। अब एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। कुछ पर्सन अपने करियर का डिसीजन 10th या 12th क्लास में ठीक से नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी ICI ने ऑप्शन दे रखी है डायरेक्ट एंट्री रूट की। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब आप चाहते हो कि मुझे सीए करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। चाहे आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन करी है या नहीं करी है, दोनों ही केसेस में आप एंटर कर सकते हैं सीए करने के। कौन से पर्सन डायरेक्ट एंट्री रूट से ले सकते हैं एडमिशन? कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 55% मार्क्स होने चाहिए, और अदर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 60% उनके मार्क्स होने चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि 10th 12th में अगर आप करियर का डिसीजन सही नहीं ले पाए, पर ग्रेजुएशन के बाद आपको लगा कि सीए मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो भी आप सीए में एंटर कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी सीए में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया भी स्टेटेड है। आपके लिए क्या है, जो पर्सन ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं उनको फाउंडेशन नहीं देना, मतलब उनको CPT का एग्जाम नहीं देना, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो नहीं देना, जो यहाँ पे 10th 12th के बच्चों को देना है ना, वो ग्रेजुएशन के बाद नहीं देना है। वो सीधा रजिस्टर हो जाएंगे इंटरमीडिएट कोर्स यानी IPC के लिए, ठीक है? तो दोनों का आपने समझ लिया। या फिर कोई पर्सन CS कर रहा हुआ है जिसने, या कोस्ट अकाउंटेंट बन चुका है, वो भी चाहे तो CA में रजिस्टर कर सकता है। डायरेक्ट एंट्री मोड से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सीधे इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। फिर आपको क्या करना है, अपीयर करना है और पास करनी है इन ईदर या बोथ ग्रुप ऑफ द इंटरमीडिएट IPC के, दोनों या एक ग्रुप पास करना है, और फिर रजिस्टर करना है 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो सीए कोर्स इतना अच्छा कोर्स है ना कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है 3 साल की। ये ट्रेनिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी सीए फार्म के अंडर ले सकते हो। तो जहां भी किसी भी कोर्स के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिंक हो जाता है ना, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि किताबों में पढ़ने के बाद ज्यादा तभी समझ आता है जब आपको उस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। रजिस्टर करना है देन आपको सीए फाइनल कोर्स के लिए आफ्टर पासिंग द बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। जब आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास कर लेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे सीए फाइनल के लिए। उसके बाद आपको कंप्लीट करनी है 4 weeks ऑफ एडवांस ICITSS, ये IT ट्रेनिंग है 100 hours की, कोर्स इन द लास्ट 2 years ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड कंप्लीट करनी है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देन अपीयर करना है फाइनल एग्जाम में, क्वालिफाई सीए कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड एडवांस ICITSS, एंड बिकम
मेंबर ऑफ आईसीआई। जो आपकी एडवांस आईटी की ट्रेनिंग है ना वो यहाँ पर भी आएगी एक बार, कंप्लीट 4 वीक्स ऑफ आईसीआईटीएसएस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो धीरे धीरे जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं ना कोर्स में, वो सारी गाइडेंस आपको मिलती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका फी स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीरो कॉस्ट कोर्स है। कैसे? जब भी आप फाउंडेशन में रजिस्टर करेंगे तो आपका जो कॉस्ट होगा वो होगा 200 रुपीज प्रोस्पेक्टस का। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9000, टोटल फी आपको देनी है 9200। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाता है। इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन 15000 की रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस है 2000 और रजिस्ट्रेशन फीस एज आर्टिकल असिस्टेंस है 1000, टोटल 18000। और आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी आईसीआई की तरफ से प्रोवाइड करा जाता है। फाइनल की फीस है आपकी 22000। अदर फीस जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रजिस्टर करना है, दो बार होगी ना वो आपकी ट्रेनिंग, और ओरिएंटेशन कोर्स और एमसीएस, ये सारे चार आपको जो एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए कराए जाते हैं ट्रेनिंग, इन पे आपका कॉस्ट है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो सारी टोटल फीस है ये मिला के बनती है अप्रॉक्सीमेट 69200। और जो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो ना 3 इयर्स की किसी भी सीए फार्म के अंडर, वो आपको मंथली स्टाइफंड देते हैं। जी हाँ, स्टाइफंड फिक्स है आपका आईसीआई की तरफ से। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे स्टाइफंड पा सकते हैं। कुछ पर्सन तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाते हैं, उनको तो अच्छा स्टाइफंड से भी ज्यादा अमाउंट पे हो जाता है। तो देखिए अप्रॉक्सीमेट 90000 मिलते हैं 3 इयर्स में इन द सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख, जैसे कि मेट्रो सिटीज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो आपने खर्चे कितने? अप्रॉक्सीमेट 70000 मिलेंगे, कितने? 90000। तो ये तो जीरो कॉस्ट हो गया ना कोर्स आपके लिए। इवन आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिला है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। आप इससे भी ज्यादा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम अर्न कर सकते हो। तो ये कोर्स इसलिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जो डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, और उनको पता है कि हमारी पॉकेट और किसी कोर्स के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो वो सीए को जरूर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये कोर्स इतना रेप्यूटेड कोर्स है और साथ ही जीरो कॉस्ट कोर्स है। तो मंत्रा क्या है सीए बनने का? अब आप कहोगे कि हमने सुना है सीए बहुत ही मुश्किल है। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए सीए करने के लिए, मनी तो चाहिए नहीं क्योंकि इसमें कॉस्ट है ही नहीं, सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन। जी हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन को यूज करा। कैसे? मैंने अपनी शेड्यूलिंग कर रखी थी पढ़ाई करने की 6 घंटे की, जिसको मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। डेली 6 घंटे की कंटिन्यू स्टडी करती थी। उसके बाद मैं अपना टाइम अपनी हॉबीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालती थी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करोगे अपनी स्टडीज के लिए। मतलब स्टार्टिंग में आप 6-8 घंटे भी पढ़ोगे वो ठीक है, जब बिल्कुल ही पेपर नियर होते हैं आपके तो फिर तो 12-12 घंटे पढ़ना, 18-18 घंटे पढ़ना भी कम हो जाता है। बट आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन आपको जल्दी ही सीए बना देता है। और मैंने हमेशा दोनों ग्रुप दिए हैं। ग्रुप कैसे होते हैं इसमें? जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपको 4 पेपर क्लियर करने हैं सीपीटी में, आईपीसी में आपको 2 ग्रुप में 4-4 पेपर क्लियर करने, यानी टोटल 8 पेपर होते हैं, ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ऐसे ही आईपीसी में और ऐसे ही फाइनल में। तो मैंने हमेशा दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए हैं। इससे क्या होता है, आपके दोनों ग्रुप कई बार एक साथ क्लियर हो जाते हैं, आपको बेनिफिट उसका ज्यादा मिलता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे हमेशा दोनों ही ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करी हुई है। तो दिस नीड्स ओनली योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, नथिंग एल्स, और आपकी फैमिली का सपोर्ट, बस। अब जानिए अपॉर्चुनिटीज क्या है सीए बनने के बाद। आपने अपने नाम के आगे सीए वर्ड तो कर ही लिया, अब जानिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जॉब में जाना चाहते हो तो भी आपके लिए ऑप्शंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस, एंड फर्दर स्टडीज यूपीएससी या मैनेजमेंट। और आपके लिए गुड न्यूज है कि आईसीआई हर साल में 2 बार कैंपस प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, जिसमें बहुत सारे नए सीए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज उनको हायर करती हैं एट अ वेरी गुड पैकेज। तो कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब अगर करनी है उस केस में। और सीए कहाँ कहाँ पे सर्व कर सकता है? सीए गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और सीए के सिग्नेचर्स के लिए प्रधानमंत्री
मोदी जी ने भी बोला है कि मेरे सिग्नेचर से भी ज्यादा, मतलब मोदी जी के सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है एक सीए के सिग्नेचर, क्योंकि जहां सीए के सिग्नेचर होते हैं वो चीज माने जाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड। करेक्ट। तो आपके जो पॉसिबल वेन्यूज हैं, एंटरप्रेन्योर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, एडवाइजरी सर्विस, एडवांस्ड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एकेडमी। नाउ ऑन व्हाइल यू लर्न, सीए कोर्स ही एक ऐसा कोर्स है जो आपको लर्निंग करते हुए भी अर्निंग की ऑप्शन देता है। ये जो स्लाइड आपके सामने है ना, इसमें तो मिनिमम फीस लिखी हुई है, मिनिमम आपकी जैसे कि स्टाइफंड फीस लिखी है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में। दैट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट्स की जहां पर वो काम कर रहे हैं। अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनका जो जिनके साथ वो आर्टिकलशिप एज आर्टिकल जुड़े हैं वो खुद ही उनको अच्छा अमाउंट ऑफर कर देते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी ऑप्शन होती है जहां पे बहुत ही अच्छा अमाउंट एट द टाइम ऑफ आर्टिकलशिप आपको ऑफर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज आपको स्टाइफंड दिया है। ठीक है, ये आपको स्टाइफंड मिल सकता है, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी कैलिबर पे डिपेंड करता है। नाउ स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है ऐसे पर्सन को जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जैसे जिनकी इनकम 3 लाख पर एनम तक है, उनको 1500 पर मंथ का स्टाइफंड स्कॉलरशिप दिया जाता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। फाइनल स्टूडेंट्स को भी 1500 पर मंथ, जिनकी 3 लाख पर एनम तक ही अर्निंग है। और अगर आप रैंक होल्डर हो जाते हो, आपका रैंक आता है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक तो जिनकी इनकम कम है और उन्होंने रैंक लिया है तो ये है, और मेरिट स्कॉलरशिप भी। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं स्कॉलरशिप के, यानी ये कोर्स आपके लिए कॉस्ट नहीं बनता, आपके आपके पॉकेट पे कोई भी कॉस्टिंग इसकी नहीं आती है। स्कॉलरशिप के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और वेबसाइट है हमारी www.ici.org। अभी मैं आपको एंड में वेबसाइट भी विजिट कराऊंगी। नाउ स्टडी कैसे करें, आप आईसीआई की वर्चुअल क्लासेस, ई लर्निंग एंड क्लाउड कैंपस फैसिलिटी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए घर बैठे, आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, तो आईसीआई आपको घर बैठे लर्निंग का मौका देता है। ये सभी लिंक्स यहाँ पर स्लाइड में आपको मैंने दिखाए हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, मैंने आईसीआई का लिंक और इस इन सभी लर्निंग जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉमर्स विजर्ड के बारे में, आईसीआई के पब्लिकेशंस हैं। नाउ आईसीआई कॉमर्स विजर्ड, चलिए अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज, तो चलिए डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। हर 6 मंथ में आपको एक ऑप्शन मिलती है आईसीआई कॉमर्स विजर्ड में पार्टिसिपेट करने की। ये ऑप्शन अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप या आपके किड्स या आपके फ्रेंड्स, फैमिली रिलेटिव्स, भाई बहन 9th, 10th, 11th या 12th क्लास में है तो वो इस आईसीआई कॉमर्स विजर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो प्राइजेज हैं वो है फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 25,000 और देन कॉन्सोलेशन प्राइजेज भी हैं। लेवल 1 टेस्ट अभी शेड्यूल है 8 जनवरी को और लेवल 2 है 29 जनवरी को। स्टूडेंट जो क्लास में है 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन में, दे आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 100 रुपीज है 31st दिसंबर तक। तो इसमें पार्टिसिपेट कराइए उनको, जो भी इंटरेस्टेड है सीए कोर्स में, ये कोर्स में, और उनका ये लेवल 1 और लेवल 2 टेस्ट होगा। और इस वेबसाइट पे, ये जो ccc.icicommercewizard.org वेबसाइट है, यहाँ पर इनके लिए सैंपल पेपर भी अवेलेबल है, इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल है, यहीं पे इन्हें रजिस्टर करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आईसीआई कॉमर्स विजार्ड के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कशन करूंगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर करिए कि एटलीस्ट इस चीज से, इस टेस्ट को देके वो जान सकते हैं कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस भी दिया है, सैंपल पेपर भी दिया है इन लिंक्स के अंदर, तो आप उनको गाइड करिए कि एटलीस्ट वो ये टेस्ट जरूर दे। कैंपस प्लेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, दीज आर द टॉप 10 रिक्रूटर्स, द एवरेज सैलरी ऑफर्ड For February to March 22 recruitment is 10.57 lakh and the highest domestic salary is 30.30 lakh. तो कोई लिमिट्स नहीं है आपके लिए अर्निंग करने की, दैट डिपेंड्स ऑन द कैलिबर, आप कितनी भी हाइट्स अचीव कर सकते हो, आप बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हो सीए बनने के बाद। यूएसपी ऑफ सीए प्रोफेशन, सीए किस चीज के लिए जाना जाता है, ऑडिट्स के लिए। अकाउंटिंग तो कोई भी कर लेता है,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल तो कोई भी कर लेता है, क्या ऑडिट कोई भी कर सकता है? नहीं, सिर्फ सीए ही ऑडिट्स कर सकते हैं. सो आईसीआई इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सीए इज ओपन फॉर द ऑल स्ट्रीम्स. तो कई बार क्या होता है, कोई पर्सन, कोई बच्चा 10th क्लास में कोई गलत स्ट्रीम चूज कर लेता है, साइंस चूज कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बोल दिया या उसके फ्रेंड्स वहां पर ऑप्ट कर रहे थे, बाद में उसे लगा कि नहीं मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा. तो सीए सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे कोई कॉमर्स स्ट्रीम से है, आर्ट्स से है या साइंस से है. तो कभी भी आप कर सकते हो और एज इज नो बार, किसी भी एज में आप सीए कर सकते हो, खुद को रजिस्टर कर सकते हो. एबिलिटी टू मल्टीटास्क, देन एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन, क्लाउड कैंपस फॉर द स्टूडेंट एंड ग्रेट लर्निंग एट द मिनिमल कॉस्ट. कोर्स तो है ही नहीं, मिनिमम भी नहीं, कोर्स तो है ही नहीं. कोर्स में बस आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन, दो ही चीजें आपको चाहिए. तो पावर ऑफ सीए सिग्नेचर, जैसा कि मैंने बताया सीए क्या करते हैं, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस, वेरियस अदर एश्योरेंस सर्विसेज, दीज आर द एरियाज इन विच इट इज मैंडेटरी टू गेट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और पीएम मोदी जी का कोट, योर सिग्नेचर इज मोर पावरफुल देन पीएम्स एंड गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव द अकाउंट्स साइंड बाय. एडिशनल फीचर्स, अब मान लीजिए आपने सीए कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मुझे और भी कुछ करना है, मेरा मन है. So you are, after becoming CA, you are eligible for appearing in civil service examination, tie up with IIM on certain management courses, eligible for PhD in certain Indian universities and IITs, certified courses and post qualification courses. CA बनने के बाद भी n number of courses, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और भी करना है, और भी studies करनी है, तो n number of courses, n number of options आपके सामने available है. Our prominent chartered accountants are on the screen. You can see CA Piyush Goyal. He is Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution and Textile, Government of India. Then CA Suresh Prabhu. तो बहुत सारे जो मैं यहाँ पर आपको pictures दिखा रही हूँ, बहुत सारे persons को आप जानते भी होंगे. Now, अब आपको कोई भी और query आती है CA course को लेकर, तो screen पे आपको phone number दिख रहा है और email ID दिख रही है, आप इनसे contact कर सकते हैं. चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ ICI की वेबसाइट पर. तो अब मैं आपको ले आई हूँ ICI की वेबसाइट, विच इज www.ici.org, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है. यहाँ पे आप ई सर्विसेज पे आइए, यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट सर्विसेज की, इस पे आप क्लिक करिए, आपके लिए सभी चीजें यहाँ अवेलेबल है. इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टूडेंट एक्टिविटी पोर्टल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट, रीडिंग रूम पोर्टल, एंट्री लेवल फॉर्म्स, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री, पीएचडी परस्यूइंग गाइडलाइंस, लाइव रिविजन क्लासेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर ICITSS एंड एडवांस ICITSS, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप एंड फी कंसेशंस, सेल्फ सर्विस पोर्टल, ये आपका पोर्टल जो जहाँ पे आपके सारी चीजें जब आप रजिस्टर करोगे इसी के थ्रू, स्पेशल स्कीम फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म्स. तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, बस जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपको उसकी डिटेल्स मिलती चली जाएंगी. तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें. तो यहाँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है सीए कोर्स के बारे में. अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है 10th, 12th या ग्रेजुएशन के बाद आपके करियर का सही पाथ डिसाइड करना, और मैंने कोशिश करी है ये चीज आपको समझाने की. अगर आप इसे मेरी वीडियो के थ्रू समझ पाए हैं, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. और अगर मैंने किसी पर्सन की लाइफ में भी इस वीडियो के थ्रू अगर चेंज करा है तो ये मेरी एक अचीवमेंट रहेगी. आपको अगर इससे हेल्प मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिसीजन ले पा रहे हैं सीए ज्वाइन करने का तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. और आपको अब एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, या आपके खुद के किड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके नियर कोई बच्चा 11th, 12th, 9th या ग्रेजुएशन में है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करियर ऑप्शन चूज करे, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.